Hello student, this is your online computer class. So today I am going to start a new chapter, chapter 6, MS Word Introduction and Editing. Okay, so look at your book, page number 50, chapter 6. In this chapter we are going to learn about MS Word 2010 and its features, MS Word 2010 interface. Okay, and create, save, close and open the document, select, cut, copy and paste the text, find and replace the text, undo and redo the actions. So this is the topic we are going to learn in this chapter. So let's start from what is a word processor. The word processor guy. A word processor is a special software which is used for entering, editing, formatting and printing text. तो ये word processor एक special software है जो कि which is used for entering data, किसी भी data को enter करना होता है तो text या कुछ भी इस word processor software में हम enter कर सकते हैं, उसमें उस data को editing भी कर सकते हैं and after that formatting भी कर सकते हैं, उसको formatting वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट, उसमें टेक्स्ट भी जो भी डेटा हम टेक्स्ट उसमें टाइप करते हैं उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं. तो ये एक वर्ड प्रोसेसर, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग टेक्स्ट, एंटरिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग द टेक्स्ट. ओके, तो ये याद रखना है. तो बाय यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर वी कैन डू द फॉलोइंग वर्क. तो हम वर्ड प्रोसेसर जो MS Word है, एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, इसका यूज करके हम फॉलोइंग वर्क जो है यहाँ पे दिया गया वो कर सकते हैं. तो हम ध्यान से देखेंगे क्या क्या हम यहाँ पे बाय यूजिंग दिस वर्ड प्रोसेसर कर सकते हैं. ठीक है, तो नंबर वन में टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट. यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट, लेटर, ईमेल कुछ भी टाइप कर सकते हैं. ठीक है, टाइप कर सकते हैं, उसको एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, कुछ भी करेक्शंस वगैरह कर सकते हैं एंड फॉर्मेटिंग, उसको न्यू स्टाइल्स दे सकते हैं, उसका शेप, स्टाइल्स, कलर वगैरह कुछ भी हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, एंड नंबर टू, अप्लाई स्पेशल इफेक्ट टू द टेक्स्ट. उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट लाइक वर्ड आर्ट वगैरह कुछ भी इस स्पेशल इफेक्ट जो वर्ड में होता है वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया सेकंड. थर्ड में है इंसर्ट सिंबल, टेबल्स एंड पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट्स. तो इस वर्ड, एमएस वर्ड जो कि वर्ड प्रोसेसर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑटो शेप सिंबल्स होता है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, और टेबल्स होता है उसमें टेबल्स का भी ऑप्शन होता है, टेबल्स वगैरह हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, ऑब्वियसली पिक्चर्स भी हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया थर्ड यूजेस ऑफ दिस वर्ड प्रोसेसर्स. उसके बाद फोर, अप्लाई बुलेट्स एंड नंबरिंग टू द टेक्स्ट. हम इसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. बुलेट्स जो वर्ड के किसी भी लाइन के आगे हम बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, नंबरिंग उसके आगे नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में है चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ द टेक्स्ट. तो हम यहाँ पे हमारा जो भी टेक्स्ट वगैरह, लेटर वगैरह हम टाइप करते हैं उसका स्पेलिंग एंड ग्रामर भी ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं. ठीक है, इस वर्ड ग्रामर जो है वर्ड, एमएस वर्ड में जो भी स्पेलिंग का इनकरेक्ट स्पेलिंग है तो हम उसको चेक करके करेक्शन कर सकते हैं, वहीं पे ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, ग्रामर भी उसका चेक कर सकते हैं. तो इसके बाद है सिक्स यूजेस में प्रीव्यू डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग. उसको प्रीव्यू एक बार देख कर उसके बाद उसमें उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी कर सकते हैं. तो ये सिक्स
जो यूजेस हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का, जो कि एमएस वर्ड है, वो हमें याद रखना है। ये यूजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिया गया है। यहाँ पे एमएस ऑफिस इज़ अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो ये जो एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड है, सॉफ्टवेयर है, ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, है ना, पावर पॉइंट, जो भी है, ये ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी जो इसको डेवलप किया है, ठीक है। एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस कंटेन मैनी एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, पब्लिशर एसेट्रा। तो ये एम एस ऑफिस के अंडर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, कंटेंट्स होते हैं उसमें, जैसे कि वर्ड हो गया एक, हम जो अभी एम एस वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, एक एम एस वर्ड आ गया, एम एस ऑफिस के अंडर आता है एम एस वर्ड। इसके बाद एक्सेल्स हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट, आउटलुक, पब्लिशर एसेट्रा, ये सब एम एस ऑफिस के एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये उनको याद रखना है, जो कि एम एस ऑफिस के अंडर होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे देखेंगे, अर्लियर वर्सन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ अर्लियर वर्जन यहाँ पे दिए गए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैज़ रिलीज सेवरल वर्जन्स ऑफ एम एस ऑफिस, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे बहुत सारे सेवरल वर्जन्स ऑफ एम एस ऑफिस हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में था एम एस ऑफिस 95, जो प्री ओल्डेस्ट वर्जन है इसका। उसके बाद आया एम एस ऑफिस 97, देन एम एस ऑफिस 2000, एम एस ऑफिस एक्सपी, उसके बाद एम एस ऑफिस 2003, और एम एस ऑफिस 2007, एम एस ऑफिस 2010, जो कि हम इस यहाँ पे पढ़ेंगे, एम एस ऑफिस 2010 के फीचर्स एंड बहुत सारे इंटरफेस वगैरह हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। और ये एम एस ऑफिस न्यूएस्ट वर्सन है, उसके अलावा भी 16, 19 वो ऑलरेडी डेवलप अपडेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एम एस ऑफिस 2013 तक ही दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे टाइम के हिसाब से एम एस ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो अपग्रेड होते गए हैं। और यहाँ पे जो दिया गया है, बहुत सारे इसके वर्जन हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, एम एस ऑफिस 2010 इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके यूजेस तो हमने पढ़ लिया। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट एम एस ऑफिस वर्ड 2010 एंड इट्स फीचर्स, ओके। तो इस क्लास में आज इतना ही करेंगे। तो आपको ये इसके यूजेस याद करके रखना है, तो इसके क्या क्या यूजेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो सी यू नेक्स्ट क्लास, न्यू टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय।